लवर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जी मैं बहुत ही हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी जो है अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। जो आज हम लेके आए हैं पीच और साथ हम उसके लेके आए हैं लेमन। तो आज हम जो है रेसिपी बना रहे हैं पीच लेमनेड। तो ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, तो आप प्लीज इसको गर्मियों में जो है जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से आप पीच चेक करें, माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत है। ये स्पेन के पीचेस हैं और देखें माशाल्लाह से ये लिप्स की शेप में है। इस देखें आपने इनकी, देखें शेप पे गौर किया है, ये तमाम के तमाम जो है ऐसे लगता है जैसे बड़े बड़े होंठ हो, देख लें आप, ये बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी आड़ू जो होते हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, उनकी अपनी शक्ल होती है। और साथ हम इसके जी लेमन यूज करेंगे माशाल्लाह से। ये देखें कितना कितना बड़ा लेमन है, ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है। तो आपकी हड्डियों के लिए और आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा करने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो आप जो है मेरे मेथड के हिसाब से बनाइएगा और इसको डेली जो है वो अपनी रूटीन में शामिल करें। तो इसके लिए जी हमने 4 अदद जो है वो आड़ू ले लिए हैं, 2 अदद बड़े साइज में हमने लेमन ले लिए हैं, चुटकी भर हमने इसमें काली मिर्च ले ली है और इसमें हमने काला नमक लिया है। ये हस्बे जायका हम थोड़ा सा यूज करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है इंक्रीज हो। और इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, साथ ही इसको मजीद हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें हनी यूज करेंगे, 2 टेबल स्पून हनी भी यूज करेंगे। और साथ ही जी हम मिनरल वाटर यूज करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो हम अपनी जो है रेसिपी का आगाज करते हैं और आड़ू जो है उनको कटिंग कर लेते हैं और साथ में जो लेमन है इसका जूस भी निकाल लेते हैं। तो आपसे मिलते हैं जी। तो आड़ू जो है हमने काट लिए हैं, ये देखिए इनको इस शेप में हमने काट लिया है। और साथ ही हमने जो है फ्राई पैन में 2 बड़े ग्लास जो है हमने मिनरल वाटर के डाल के तो इसको बॉईल कर लिया है। पानी देख ले माशाल्लाह से बॉईल हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से, ये देखें गर्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम सारे के सारे आड़ू जो है इसमें डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें 4 टेबल स्पून जो है शुगर ऐड कर देंगे। ये आप हस्बे जायका है, जितना मीठा आप लेना पसंद करें उतना आप यूज करें। और साथ ही हमने जो 2 बड़े लेमन लिए थे तो उनका जो जूस है वो भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं अच्छी तरह से जी। तो पीच लेमनेड जो है देखें रेडी हो गया, सॉफ्ट हो चुके हैं पीचेस जो हैं बिल्कुल। और ये देखें जो हमने नमक और काली मिर्च था वो भी अब इसमें हम डाल देते हैं। और इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं। तो ये जूसर में ब्लेंड कर लिया है हमने, अब हम इसको जो है छलनी में छान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसमें जो है 2 टेबल स्पून शहद यूज कर देंगे, साथ में वो भी डाल देंगे ताकि वो भी मिक्सअप हो जाए जी। तो इस तरह से जो है इसको हमने अच्छी तरह से जो है इसको दबाएंगे ताकि सारा जो है जूस जो है वो अच्छी तरह से निकल आए और सिर्फ गूदा जो है वो बाकी रह जाए। ये देखिए आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से जो है ये प्रेस करते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से नीचे हमारा बेहतरीन बेहतरीन जो है पी जूस जो है माशाल्लाह से हमारा रेडी हो रहा है। तो जी तो अब हम 2 टेबल स्पून इसमें शहद यूज करेंगे। इससे आपका जो ड्रिंक है माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। इसमें बर्फ यूज करेंगे, इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे बर्फ डालकर और फिर आपको जो है डिश आउट करके दिखाते हैं जी। ड्रिंक हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हमने जो है ग्लासेस में आइस क्यूब्स डाल लिए हैं। तो ये देखें मैंने ये लेमन के पीसेस की कटिंग की है और साथ जो है पीच है उसकी भी कटिंग की है। तो लेमनेड बनाने के लिए हमने इस तरह से जो है इसको पहले रखेंगे, लेमन्स को जो है ये आइस के ऊपर रख देते हैं। ये देखिए पीच भी हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर ही और उसके साथ हम अब इस पे जो है अब हम जूस डाल देते हैं जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से देखें पीच लेमनेड जो है हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। तो आप प्लीज इसको अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और मैंने आपको ये बिल्कुल हेल्दी रेसिपी में मैंने आपको बताया है, मैंने इसमें हनी भी यूज़ किया है और हर हेल्दी वे से मैंने इसको जो है बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है।
तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाजत लेते हैं, फी अमानुल्लाह।